आज भारतीय संसद में आम बजट 2020 से 21 की शुरुआत करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इन्होंने आम बजट को लेकर सभी पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। आइए जानते हैं शहर के नागरिकों के जुबानी आम बजट पर उनकी अपनी राय। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इन्होंने आम बजट को लेकर संसद में इस बजट को लेकर शहर की जनता के मन में क्या है, आइए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किए गए इस बजट के बारे में शहर के लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, आइए डालते हैं एक नजर। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इनविजन की टीम खड़ी है ऐसे लोगों के पास जो शहर के नागरिक है और सुबह से ये लोग बजट देखने के लिए टीवी के सामने में बैठे हुए थे। जी हम बात करने जा रहे हैं आज संसद में जिस प्रकार से भारत का बड़ा बजट, इसके ऊपर में एक चर्चा हो रही है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इन्होंने कुछ बातचीत की है, कुछ जानकारी दी है कि बजट किस प्रकार का है। आइए लोगों की राय इसके ऊपर में क्या ये जानना चाहेंगे। इस समय में शहर के कुछ नागरिक है उनसे जानना चाहेंगे कि ये बजट जो इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सर ये बताइए कि जिस प्रकार से आज ये जो बजट दिया गया है क्या कहना चाहेंगे आम बजट 2020-21 के बारे में, आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बजट है ये पिछले बजट की एक कॉपी है। जैसे पिछले बजट में शब्दों का भरमार था और भंडार था, बड़े बड़े वादे किए गए थे लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आज आप देख रहे होंगे कि ये बजट के पहले महंगाई का रेशियो सबसे ज़्यादा हाई पिच पे है, वैसे बेरोजगारी भी आज हमारे देश में ज़्यादा बढ़ रही है, बैंक अस्थिर हो गई है, बैंक में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है, बैंक में सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन एक वर्ड डाल दिया है उन्होंने कि रिजर्व बैंक अभी पहले 1 लाख रुपए की गारंटी लेता था, अभी 5 लाख के लेने लग गया। गारंटी लेने के बावजूद भी जब भी बैंक कोलैप्स होती है तो किसी को कुछ रुपये नहीं मिलते हैं, वो सब उसका पैसा डूब जाता है। आज बैंक में करीबन जो भी आदमी रिटायर होता है पाँच लाख के ऊपर अपने पैसे जमा पूंजी रखता है। ऐसे में अगर उसकी 5 लाख के पूंजी पे अगर आप गारंटी दे रहे हो और बाकी पैसे पे नहीं दे रहे हो, आज 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए लोगों के बैंक में पड़े हैं और वो डूब गए हैं। ऐसे हालत में सिर्फ आज 5 लाख रुपए की गारंटी ले रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है, ये भ्रम है। तो बैंक जिस प्रकार से इनका जो मानना था कि शुरू के दौर में जब 1 लाख रुपए की पूंजी अगर निवेश करते हैं या जो जमा होता था वो काफ़ी अच्छा होता था, लेकिन अब की बार सरकार ने इसके ऊपर में एक कदम ये बढ़ाते हुए कहा है कि मात्र 1 लाख नहीं, अब 5 लाख रुपए भी यदि आप बैंक में जमा करते हो तो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। अब ये कितना सुरक्षित होगा इसके ऊपर में कुछ लोगों ने राय दी है, और भी कुछ लोग हैं, चलिए उनके पास चलते रहे, उनसे हम बात करते हैं, आइए हमारे साथ। ये बजट जो है ये बजट में कम से कम इन्होंने जो इनकम टैक्स का स्लैब दिया था वो स्लैब 5 लाख तक करने की ज़रूरत थी, उन्होंने 2.5 लाख के ऊपर जो पुराना था उसके ऊपर उन्होंने स्लैब कर दिया, उनको बढ़ाना चाहिए था, उन्होंने 5% कम कर दिया है, मगर वो उतना 5% बोल तो उसका कुछ भी नहीं है, तो उसमें वो ज़्यादा बढ़ा था, 5 लाख तक इनकम टैक्स माफ़ करना चाहिए था, मगर उन्होंने वैसा नहीं करके उन्होंने स्लैब डाल के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। और ये जो है ये हिडन टैक्सेस भी लगा, हिडन स्वरूप के वजह से भी कुछ ऐसा हो सकता है कि अगले वक्त तुम पिछले वक्त जो हुआ था उन्होंने बताया था कि 5 लाख तो को आपको टैक्स माफ इन्हें इनकम टैक्स में माफ़ी मिलेगी, मगर वैसा हुआ नहीं, उन्होंने कुछ हिडन चार्जेस लगा के वो टैक्सेस में उन्होंने 2.5 लाख के ऊपर ही निर्बाधित कर दिया था। तो ये जो है ये थोड़ा एक डिसीजन है, ये डिसीजन को और 5 लाख करते तो अच्छा होता था सामान्य आदमी के लिए। बजट मैंने देखा ये अटी व शर्ती लागू, जो कंडीशन अप्लाई बोलते हैं हर चीज़ के पीछे कंडीशन अप्लाई रहती है हिडन, वैसा ये बजट था। आज के बजट में वित्त मंत्री जी ने जो कहा वो पूरा अस्पष्ट था, उन्होंने कहा है कि 5 लाख का स्लैब, 10 लाख का स्लैब, पर इसके पीछे और आगे जो अट्टी शर्ती लागू है ये पूरा बाद में पता चलेगा, इसलिए अपन कॉन्फिडेंटली ये नहीं बता सकते अभी के डेट में कि बजट ये किसके फायदे का है। दूसरी बात, सिर्फ तुमने व्यापार को ही इस पर फोकस किया, बैंकों को कृपया, पर शेतकड़ी को भी कुछ भी नहीं मिला, जो आज सबसे बड़ी बात है जिसके वजह से सदन में हंगामा होने को होना था, उस पर चर्चा होने की होनी थी, उसके बारे में कुछ तो भी दिलासादायक मिलने को होना था, वो भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये सब जो बातें हैं ना ये 15 दिन 1 महीने के बाद पूरी स्पष्ट होंगी।
सर ऐसा है कि बजट तो हर साल ही होता है और ये नाम के लिए बजट होता है, कोई बजट से कोई आम पब्लिक को कुछ फ़ायदा होता नहीं है। और ये बजट के बारे में तो कुछ ऐसे नहीं है, कभी अभी बेरोज़गारी बढ़ रही है, वो बेरोज़गारी के लिए कोई ठोस कदम गवर्नमेंट ने उठाया नहीं है अभी तक। बहुत पढ़े लिखे लोग ऐसे ही पड़े हैं और बजट तो हर साल होता ही है, लेकिन बजट में आम पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं होता है। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जो अभी गैस के बारे में देखो, सिलेंडर की कीमतें बढ़ती जा रही है। और क्या बोलते थे, अभी ये देखिए, ये हमारा प्लांट का व्यवसाय है, ये प्लांट में ये जो चीज़ 30 रुपये की मिलती थी वो आज इसको 100 रुपये गिनना पड़ता है, तो आम पब्लिक को अपना शौक पूरा करने भी मुश्किल जा रहा है। तो ये बजट के बारे में तो पूछो ही मत, बजट से कोई आम पब्लिक का कोई भला होने वाला है नहीं, ये तो हर साल होते ही रहता है। और ये बजट के बारे में तो कुछ ऐसे नहीं है, कभी अभी बेरोज़गारी बढ़ रही है, वो बेरोज़गारी के लिए कोई ठोस कदम गवर्नमेंट ने उठाया नहीं है अभी तक। बहुत पढ़े लिखे लोग ऐसे ही पड़े हैं और बजट तो हर साल होता ही है, लेकिन बजट में आम पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं होता है। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जो अभी गैस के बारे में देखो, सिलेंडर की कीमतें बढ़ती जा रही है। और क्या बोलते थे, अभी ये देखिए, ये हमारा प्लांट का व्यवसाय है, ये प्लांट में ये जो चीज़ 30 रुपये की मिलती थी वो आज इसको 100 रुपये गिनना पड़ता है, तो आम पब्लिक को अपना शौक पूरा करने भी मुश्किल जा रहा है। तो ये बजट के बारे में तो पूछो ही मत, बजट से कोई आम पब्लिक का कोई भला होने वाला है नहीं, ये तो हर साल होते ही रहता है। तो इस तरह की ये जो धारणा है ये शहर के कई लोगों में है कि बजट आता है बजट जाता है, बजट मात्र सिर्फ संसद में रखने के लिए है या शहर के नागरिकों के लिए है, क्योंकि बजट से ना कभी लोगों की जो गरीबी है वो तो दूर हुई नहीं है, दिन ब दिन जो चीज़ें हैं खान पान की जो चीज़ें है वो बहुत महंगी होती हुई नज़र आ रही है, ऐसे में लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है, लोग जिए तो जिए कैसे, ये सवाल उनके मन में बना है। एक तरफ बजट को लेकर मंत्री लोग बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बजट को लेकर शहर के नागरिक भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट एक मात्र एक ढाक के तीन पांच जैसा कामकाज हुआ है, ऐसे शहर के नागरिकों का बजट को लेकर कहना है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।